कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विवादित बयान दिया है। उनका कहना है कि भारत महान नहीं बल्कि बदनाम है। केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार पर मौत का आंकड़ा छिपाने का आरोप लगाते हुए कहा, जवाब मांगने पर सरकार FIR दर्ज करा रही है। तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का विवादित बयान। छवि इतनी बिगड़ी हुई है, मैं तो कह रहा हूँ भारत महान नहीं भारत बदनाम है। ये आज सब देशों ने रोक लगाई है कि भारत के लोग नहीं आ सकते। मैंने तो उस दिन कहा था उज्जैन में कि जो टैक्सी चलाते हैं अपने देश के लोग बाहर, मुझे तो किसी ने न्यूयॉर्क से फोन किया कि जो भारत के लोग कुछ जो टैक्सी चलाने वाले हैं उनकी टैक्सी में कोई नहीं बैठने को तैयार। ऐसा बदनाम किया अपने देश को। और ये उसके बाद जब मोदी जी कहते थे हमने कोविड की लड़ाई जीत ली, कहते थे हम विश्व की फार्मेसी हैं, और आज कह रहे ग्लोबल टेंडर निकालो, वैक्सीन लाओ।